हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर वीडियो में हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की मॉर्फोलॉजी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स लैब डायग्नोसिस एंड एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से स्ट्रेप्टोकोकाई स्टूडेंट्स स्ट्रेप्टोस का मतलब होता है ट्विस्टेड और कोइल्ड एंड स्ट्रैप्टो कोकाई means, ट्विस्टेड और कॉइल्ड कोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो ह्यूमन एंड एनिमल्स के अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होते हैं इनमें से कुछ पैथोजेनिक होते हैं एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस पायोजिन पैथोजेनिक होते हैं जो कि पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसकी स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पाइजिंस ओवल और स्फ़ेरिकल शेप में होते हैं एंड ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं जो कि चेन्स और पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं ये चेन फॉर्म करते हैं बिकॉज कोकई एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं एंड डॉटर सेल कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं एंड डॉटर सेल के कंप्लीटली सेपरेशन ना होने की वजह से ये चेन फॉर्म करते हैं एंड ये लिक्विड मीडियम में लॉन्गर चेन फॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस स्पायोजिन्स नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग होते हैं एंड ये कैप्सुलेटेड होते हैं अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में ब्लू और पर्पल कलर के अपीयर होते हैं और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पायोजिनस ग्राम पॉजिटिव को, को है तो जब हमने इनकी ग्राम स्टेनिंग करी तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि माइक्रोस्कोप में ब्लू और पर्पल कलर के अपीयर हुए हैं ये ब्लू कलर के अपीयर हुए हैं माइक्रोस्कोप में जब इनको हमने देखा है एंड इन्होंने चेन फॉर्म किया हुआ है तो ये इनका ग्राम स्टेनिंग हमने की है जब स्ट्रेप्टोकोकस का की तो उसकी माइक उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है अगर हम कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टेप्टोकोकस पायोजिन एरोब्स एंड फेकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं एंड इनको इनकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टैम्परेचर है चाहिए वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए वो है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड ऐसे मीडिया जिसमें फॉर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट या फिर ब्लड एंड सैरम प्रेजेंट हो ये उसी मीडिया में ग्रो करते हैं मतलब मीडिया कंटेनिंग फॉर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स और इनरिस्ट विद ब्लड और सेरम इज़ बेस्ट फॉर देयर ग्रोथ अगर हम बात करें कि इनको हम ब्लड अगर के सरफेस पे ग्रो कराएं, तो तरीके की कॉलोनी ये फॉर्म करेंगे तो ब्लड अगर के सरफेस पे ये स्मॉल जीरो mm करते हैं जो कि सर्कुलर इन शेप होती है एंड ये सेमी ट्रांसपेरेंट कॉलोनी फॉर्म करते हैं इवन साथ ही साथ हमें कॉलोनी के अराउंड बीटा हिमोलाइसिस का क्लियर जोन ऑब्जर्व होगा ये क्लियर जोन प्रोड्यूस करते हैं अराउंड बीटा हेमोलाइसिस का जोन जो हमें है वो काफ़ी क्लियरली हम दिखेगा कॉलोनीज के अराउंड एंड फाइव टू टेन परसेंट सीओ टू ग्रोथ एंड हेमोलाइसिस को और प्रमोट कर देता है इनके जो वायरलेंट स्ट्रेंस होते हैं जिनको हमने लेजन uh, साइड से फ्रेश आइसोलेट किया है जिनको हमने लेजन साइड से फ्रेश आइसोलेट किया है वो मैल्ट कॉलोनी फॉर्म करते हैं एंड जो इनके ए वायरलेंट स्ट्रेंस है अ वायरलेंट स्ट्रेंस जो है वो ग्लॉसी कॉलोनी फॉर्म करते हैं एंड जो कैप्स्यूल प्रोड्यूसिंग स्ट्रेनस है इनके जो कि कैप्स्यूल प्रोड्यूस करते हैं वो म्यूकोइड कॉलोनीस फॉर्म करते हैं ब्लड अगर के सर्फिस पर ये तो बात हो गई जब हम इनको सॉलिड मीडिया यानी कि अगर के सरफेस पे ग्रो कराएंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड मीडिया में ये लॉन्गर चेन फॉर्म करते हैं तो कौन सा लिक्विड मीडिया हम यूज कर सकते हैं इनको ग्रो कराने के लिए तो हम ग्लूकोज और सेरम ब्रॉथ का यूज करते हैं इनको ग्रो कराने के लिए एंड इनकी ग्रोथ कैसे होती है ग्लूकोज और सेरम ब्रॉथ में तो ग्रैनुलर टर्बिडिटी अपीयर होती है जिसमें पाउडरी डिपॉजिट ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है जो कि इनकी ग्रोथ को शो करता है दर्शाता है बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये कैटल नेगेटिव होते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुई है एंड बबल फॉर्मेशन का ना होना ये दर्शाता है कि ये कैटल नेगेटिव है इवन ये बाइल इंसॉलिबिल होते हैं एंड ये शुगर को फर्मेंट करते हैं जिसमें एसिड प्रोडक्शन होता है लेकिन कोई भी गैस प्रोडक्शन नहीं होती चलिए अब हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं क्या स्ट्रेप्टोकोकस स्पाइजिन्स रेसिस्टेंट है टेम्परेचर के लिए तो नहीं स्ट्रेप्टोकोकस का स्पाइज काफ़ी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हीट से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इवन हम फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थर्टी मिनट के लिए प्रोवाइड करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इवन ये बैक्टीरिया इनके लिए भी सेंसिटिव होते हैं एंड ये ड्रग्स के लिए काफ़ी कम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं और जब हम एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स के लिए एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स से ये काफ़ी रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाते हैं पैथोजेनेसिटी पैथोजेनेसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि स्टेप्टोकोकस पायोजेंस पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसकी स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है एंड ये लोकली अलोंग हमारे लिम्फैटिक एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम जो है स्प्रेड होते हैं एंड ये डिजीज हमें कॉज कर सकते हैं दो तरीके के सपोर्टिव एंड और नॉन सपोर्टिव सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशंस में हमें ये रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिनका प्राइमरी uh, साइट होता है इन्वेशन का वो होता है थ्रोट जिसमें ये सोर थ्रोट कॉज करते हैं हमें एंड ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं लाइक like टॉन्सिलाइटिस अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये पैथोजन स्प्रेड होते हैं हमारे रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्पेशली इन विंटर सीजन एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन हैं वो प्रसीड होती हैं जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन हैं वो प्रोसीड होते हैं इनिशियल बेसिकली क्या होता है जहाँ हमारी स्किन डैमेज होती है या ब्रेकेज uh, है स्किन में तो स्किन ब्रेकेज के साइड से टिश्यू डैमेज के साइड से ये आसानी से एंटर हो जाते हैं इनको एक्सेस मिल जाता है एंड देन देन ये कॉलोनाइज करते हैं एंड हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं इवन री भी हो सकता है एम प्रोटीन की मल्टीप्लीसिटी से अब लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हम डायग्नोस कैसे करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को तो पहला थ्रोट स्वैब कल्चर से हम डायग्नोस कर सकते हैं जिसमें हम ग्रुप ए एंटीजन का को डिटेक्ट करते हैं ग्रुप ए एंटीजन का डिटेक्शन होता है यहाँ पे देन स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट भी हम करते हैं एंड अगर एंटी हाइल्यूरोनाइडेज एंटीबॉडीज में एलिवेशन है तो ये स्ट्रांग एविडेंस है कि हमें पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ है देन सैंपल हम कहाँ कहाँ से कौन कौन से सैंपल से डायग्नोस करते हैं या यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए तो हम थ्रो हम थ्रोट स्वैब पस स्वैब को कलेक्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए Then, हम माइक्रोस्कोपी करते हैं लाइक like, हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं पस का ये एग्जामिन करने के लिए पस की ग्राम स्टेनिंग के एग्जामिनेशन से हमें आ, पता चल सकता है कि पायोजेनिक इन्फेक्शन है या नहीं है एंड इवन ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन का जो प्रेजेंस है वो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि पायोजेनिक इन्फेक्शन है अगर हम बात करें इन्फेक्शन uh, की तो हमने डिस्कस किया कि हम सैंपल कहाँ से ले सकते हैं और माइक्रोस्कोपी से हम डिटेक्ट uh, कर पाएंगे डायग्नोस कर पाएंगे स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच